इलेक्ट्रिक रबड़ क्या होती है बेटा? बिजली से चलती है क्या वो रबड़? मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। बहुत बुखार है मेरे बच्चे को, अभी भी गर्म हो रहा है, फिर बुखार चढ़ रहा है इसको। जैद को बहुत ज्यादा रैशेज हो गए नीचे। चीको चीको, तेरा दिमाग खराब है क्या बाल? हाथ जला दिया यार दुबागा तूने। सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो सुबह के बच्चों के 8 में उठ चुके हैं चीकू को स्कूल भेजने के लिए, और रात को ढंग से बिल्कुल भी नहीं सो पाई क्योंकि आयान की तबीयत खराब थी। आयान को बार बार फीवर चढ़ रहा था, तो अभी उसका टेम्परेचर चेक किया, अभी बिल्कुल ठीक है वो। रात को उसको 4 बजे मैंने दवाई दी थी, तो भगवान की दुआ है कि वो ठीक हो गया। और आप लोग की दुआ कीजिए कि उसको दोबारा फीवर ना चढ़े, क्योंकि एक बच्चा पहले हॉस्पिटल में, मैं नहीं चाहती दूसरा बच्चा और हॉस्पिटल में पहुंच जाए और घर पे ही ठीक हो जाए। दवाई तो दे दी थी, रात को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा था, फिर हॉस्पिटल भी लेके गई थी मैं उसको, और हॉस्पिटल में चेक कराया था तब फीवर नहीं था। फिर घर आने के बाद सो गया था, सोने के बाद 4 बजे उठा था तब उसको फीवर आया था, दवाई दे दी मैंने उसको। अब चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ उसके लिए लंच। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश आटा गूंथ लिया, और रात को ही मैंने पनीर मंगा के रख दिया था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि सुबह लंच में क्या देना है, लंच में देना था मुझे से पनीर का पराठा, तो पनीर का पराठा, क्योंकि उसका आज पार्टी लंच है। तो मेरे को जिद कर रहा था, मम्मा मुझे पराठा नहीं चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया, ब्लिंकिट से भी ऑर्डर आने वाला है। तो यहाँ पे पहले फटाफट उसके लिए पराठा बना देती हूँ, उसे दूध दे देती हूँ, फिर जाते उसे नहलाने। तो ये ब्लिंकिट का पार्सल आ गया, और ब्लिंकिट के पार्सल में क्या है, उसने मंगाई अपने रेड चिप्स और ब्लू चिप्स मंगाई है उसने अपने लिए, क्योंकि पार्टी लंच में कुछ भी ले जा सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए बोल रहा था, पर मैंने कहा सैंडविच नहीं बनेगी अभी, पनीर का पराठा, क्योंकि घर का हेल्दी खाना भी होना चाहिए चिप्स के साथ। चिप्स तो बच्चे ऐसे स्नैक्स पे खा जाएगा, खाने के लिए रोटी तो होनी चाहिए, तो मैंने परांठा बना दिया। साथ में दूंगी इसको नींबू का अचार, इसको बहुत पसंद है मीठे वाला, वो पैक करूंगी। चेक कर रहे बेटे? बहुत चेक कर रहा हूँ कि आज तो कर लेते पार्टी डे, मैं देख लेती हूँ। आपको नहीं पता चलेगा, ला मैं देख लूंगी भाई, पता ही नहीं चलता आपको। लिखा उसमें पार्टी टिफिन टुमारो। तो मैंने फ्रूटी मंगा दी है, 3 टाइप के चिप्स मंगा दिए, परांठा बना दिए, ठीक है। साथ में बहु नहीं, परांठा लेके जाना पड़ेगा, सारी चीजें भी दे रही हूँ, सारी चीजें भी दे रही हूँ। प्लीज प्लीज ऐसे नहीं करो, नहीं ऐसे ना करो, ले जाओ चाहे एक टुकड़ा आधा टुकड़ा खाना लेके जाओ, ठीक है। मेरे ना इलेक्ट्रिक रबड़ मैं लेके आया था अपने, तो मैं आज ना उसको स्कूल लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊं। इलेक्ट्रिक रबड़ क्या होती है बेटा? बिजली से चलती है क्या वो रबड़? दिखाऊं दिखाओ जल्दी, कौन सी इलेक्ट्रिक रबड़ होती है, जरा मैं भी देखती हूँ। अच्छा ये अपने अम्मी आती है वही, आजकल पता नहीं क्या क्या आ गया है। देखो इलेक्ट्रिक रबड़ लेके आया है, मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरे को ना घर आके इसको यूज करके दिखाना, ठीक है? लंच बॉक्स ला के देना चीकू, इसको पैकेट में लेके जाना लंच बॉक्स में। मम्मा कंपल्सरी है लंच बॉक्स में लेकर जाना, कंपल्सरी है। तो ये सारा लंच बॉक्स में डालूं? हां जी। मैं तो पैकेट में डाल के दे रही थी आपको। कोई बात नहीं, बाय बाय, बाय बाय, लव यू, बाय बाय। जल्दी चलो निकलो, आज लास्ट है, फिर 2 दिन की छुट्टी है आपकी। बाई बाई। और पूरा लंच खत्म करके आना, पराठा भी खा के आना, ठीक है? चौकोस भी डाले हैं, ठीक है? बाय। ले भाई आया, बाय बाय कर, इसको बुखार था चीकू रात को। बाय 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 करो अच्छे से, किसी करो भाई को, बाय बाय किसी करो, बाय किसी करो, हाँ किसी करो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बस 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 बस, मेरा बेटा बहुत बुखार है मेरे बच्चे को, अभी भी गर्म हो रहा है, फिर बुखार चढ़ रहा है इसको। तुम मेरे को परेशान मत कर भाई, एक तो तेरा हॉस्पिटल में है और तू भी, मैं मारूंगी थप्पड़, बुखार मत कर अपने आप को, तो मारूंगी तुझे। रात को ना वहां से आने के बाद ये इतना रो रहा था, और अब देख लो इसको, अब देख लो इसकी हंसी समाई नहीं आ रही, क्योंकि थोड़ा सा ना एक्टिव हुआ है, दवाई रात को पी के ना एक्टिव हो गया थोड़ा सा। देख टोपी कहाँ आपकी, चोकचू पहन रहे हो? चोकचू और सुंदरी की बेटी, गंदा बच्चा, गंदा नूनू, ओ गंदा बाबू, चल अब सो जा, चल सो जा, थोड़ी रेस्टलेस हो रही है बॉडी तेरी। हाँ मुझे पता था तुझे नींद आ रही है, चाइनीज और चाइनीज, चल सो जा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उठ तो चुकी हूँ, 4 बजे सो के 8 बजे उठी, 4 घंटे की नींद पूरी हुई है बस। तो मैं एक काम करती हूँ, हॉस्पिटल हो जाती हूँ और दूध वगैरह नया लेके चले जाती हूँ। रात वाला दूध तो देखो रखा रखा कहती है, स्मेल भी रहती है, तो उसे चेंज करके नया दूध ले जाती हूँ। और गोलू को चाय का पूछ लेती हूँ, उसे चाय भी दे आती हूँ। कल रात को अयानू जो है भैया से मिल के आया था ना, और ये वहाँ पे रो रहा है, फिर इसको वो तो सो रहा था, इसको रोते देख वो चुप हो गया। पहले 2 मिनट रोया, देख रहा कि मेरी जगह कोई और रो रहा है, चुप हो गया, फिर नहीं होया। और अयानू आ गया घर वापस, थोड़ा घुमा घुमा करके घर आ गया। जब हॉस्पिटल पहुंचे थे तो फीवर नहीं था, घर आते ही फीवर हो गया। जस्ट अभी अभी आई हूँ मैं हॉस्पिटल से, अयान को भी दवाई दिला के लाई हूँ, क्योंकि उसे रात को फीवर चढ़ा था, और अभी भी जो है थोड़ा टेम्परेचर था उसको, तो डॉक्टर को दिखा के लाई हूँ। और जैद से भी मिल के आई हूँ, जैद को बहुत ज्यादा रैशेज हो गए नीचे, बहुत ज्यादा, क्योंकि ड्रिप चढ़ रही है कॉन्टिन्यूस जो है, वो यूरिन पास कर रहा है, जिसकी वजह से ना वो वेट हो रहा है। तो अभी जो है गोलू ने उसको डायपर निकाल दिया, हमने डायपर इसलिए बनाया हुआ था कि ना उसे ठंड ना लग जाए, पर डॉक्टर ने बोला कि अब डायपर निकाल दो,
तो डायपर निकाल के उसके 20-25 पजामियाँ भिजवाई हैं ताकि वो नीचे से उसको पजामी रखें और डायपर ना पहनाए, उसके रैशेज जो है वो कम हो जाए। रिपोर्ट पहले से थोड़ी ठीक आई है थैंक गॉड, कि जो उसके पहले व्हाइट सेल थे वो ज़्यादा थे, वो कम हो गए हैं। अभी पूरे कम नहीं हुए लेकिन थोड़े कम हो गए, पहले से इंप्रूवमेंट है उसका। और चीकू सुबह मतलब स्कूल से आते मुझसे लड़ रहा है कि आपने मुझे ना वो नहीं बनाया, सेंटा नहीं बनाया, सेंटा नहीं बनाया। मुझे याद ही नहीं रहा कि 25 तारीख को उनकी छुट्टी होगी क्योंकि क्रिसमस डे और दो दिन फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो स्वाद बन के जाना था, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। अब कह रहा है मुझे ट्यूशन बना के भेजो सेंटा, अब मेरे पास ड्रेस नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि देखो बच्चे बीमार हैं, सब कुछ है, लेकिन बड़े बच्चे को भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसकी भी जो विश है वो पूरी तो करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि उसके लिए सेंटा की टोपी तो मैं उस दिन ले आई थी जब बच्चों के लिए डायपर वगैरह लेके आई, तो आज उसकी ड्रेस भी ले आऊंगी और उसको कल बना के भेजूंगी ट्यूशन में सेंटा। तो अब वो स्कूल से आ चुका है, खाना खा रहा है। तो उसके स्कूल में आज ना क्रिसमस डे सेलिब्रेट हुआ है, तभी उसको ये सब भी मिला, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है कि मैंने उसको सेंटा नहीं बनाया। अब क्या करें, बच्चों की जिम्मेदारी इतनी है, कोई बच्चा बीमार हो रहा है, कोई बुखार हो रहा है, दिमाग में नहीं रह रहती है, और मेरे नहीं याद रही है, और वो गुस्सा है। बेटा मेरे को याद नहीं रहा, सुनो भाई बीमार है ना, और रात को अयान को भी फीवर था। अब ये टोपी तो मैं आपके लिए लाई हूँ, कल मैं सुनो आज आओगे ना आप, सुनो आज आओगे ना, सुनो तो सही चीको 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 चीको, ट्यूशन से आओगे ना तब तक मम्मा यूनिफॉर्म ले आएगी आपकी, मेरी क्रिसमस है। सुनो वो दाढ़ी वाली दाढ़ी भी लेके आनी है, दाढ़ी मूछ और एक मास्क भी, सेंटा वाला मास्क, दाढ़ी मूछ नहीं लानी, वो भी लेके आनी है। तू दो टाइप के बनोगे क्या? हाँ जी। और बाल भी लाने पीछे के व्हाइट वाले, ठीक है सारा ले आऊंगी। बाकी सारा स्कूल से मिला है, मैंने स्कूल में बनाया था। ये आपने बनाया? हाँ जी। सच्ची? चलो फटाफट जाओ ट्यूशन, बाकी बाय बाय, ट्यूशन पढ़ के आइयो अच्छे से, ठीक है। तो तूबा और अयान हॉस्पिटल से आते आते रास्ते में सो गया था, और वो सो रहा है अभी, फीवर जो है उसका नहीं है, फिर भी जो है दवाई उसको कंटिन्यूस रखनी है, 3 दिन तक दवाई देनी है उसे, ताकि फीवर जो चढ़ा था ना दोबारा ना चढ़े, और एंटीबायोटिक भी दिया है डॉक्टर ने। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को ना हीटर चला के सुला रखा है आराम से, इस कमरे में आराम से सोते रहेंगे, और जो है शोर ना है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना अयान सोएगा ना उतना उसकी जो रेस्टलेस बॉडी है उसको रेस्ट मिलेगा और वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस लड़के के ना पैंट शर्ट इधर ही छोड़ के चला गया, और इसके तीनों कपड़े जो है ना मैं भी लॉन्ड्री में भेज दूंगी, क्योंकि जब ये स्कूल जाने लगता है ना सैटरडे संडे के बाद मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, तो इसके बस ड्रेस से ना बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। देखो ये कल इलेक्ट्रिक सुबह ही दिखाया था इसने मुझे, मम्मा मैं इलेक्ट्रिक वो लाया हूँ रबड़, और इसी इलेक्ट्रिक रबड़ का ऊपर का वो रबड़ ही गायब है, क्या यूज करेगा पता नहीं इसका। तो गाइस यहाँ पर होने वाला एक बहुत ही तगड़ा प्रैंक, और प्रैंक करने वाला है चीकू। चीकू क्या करने वाला है, चीकू के पास ना बहुत सारे स्प्रे है, और अभी हम किसी को ऊपर बुलाएंगे, किसी से नीचे मिलने जाएंगे और बोलेंगे आंखें बंद करो, आपके लिए जो चीकू गिफ्ट लेके आए, और उसके बाद उनके रिएक्शन देखेंगे, और मुंह सारे व्हाइट व्हाइट कर देगा चीकू, कर देगा ना सारे, कर दूंगा पक्का जी। तो चीकू के पास एक स्प्रे, और अभी हम जा रहे हैं सूरज भाई के पास, और सूरज भाई को बोलेंगे आंख बंद करो, चीकू तुम्हारे सरप्राइज ले गया, सरप्राइज वो यकीन भी इसलिए कर लेंगे क्योंकि वो क्रिसमस है ना जी, क्रिसमस है, और इस दिन ना पापा जीसस पैदा हुए थे। अच्छा जीसस पैदा हुए थे जी। पर हम तो प्रैंक कर रहे हैं ना, हम सेंटा क्लॉज के नाम पे प्रैंक नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये बोलेंगे हम तेरे लिए गिफ्ट लेके आए, ठीक है आंखें बंद करो चले चलो। क्या करने वाला चीकू? पापा पूरे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर नहीं हो, थोड़ा इसको हिला ले बस, जाते थोड़ा सा मारना मेरे से बड़ा है, कभी गाली गोली ना देने लग जाए तुझे भी मुझे भी। चल फिर चलो। सूरज चाचू तो नहीं दिख रहे, चल नीचे। हाँ भाई केशव क्या हो रहा है, सूरज कहाँ है? नीचे गए। अच्छा नीचे गया क्या? चीकू गिफ्ट लेके आया तेरे लिए, आंखें बंद कर पहले, अच्छे से आंखें बंद करने दे चीकू, आराम से खिलाना बेटा, थोड़ा आगे जाके खिलाओ, आराम से खिला दो। ये क्या कर दिया, मुंह तो खोल ले दिखा दो। अभी सूरज चाचू आएंगे उनको भी ऐसे, ओए सूरज को मत बोलियो, ये गिफ्ट उसके लिए था बेटा, ये तुझे मिल गया ठीक है। तो सूरज भाई बहुत देर से नीचे घूम रहे थे, अभी मैंने फोन किया, सूरज भाई भी आ गए हैं हमारे। तो सूरज बहुत देर से चीकू वेट कर रहा तेरे, क्या हुआ? अब गिफ्ट है। क्या बात है, पहले बैठो। अच्छा आंखें बंद कर भाई, खिलाएगा खिलाएगा, मुंह खोलेगा, मुंह खोलेगा चीकू, मुंह खोलना पड़ेगा तेरे को, चल मुंह बंद कर ले, चल कोई बात, ऐसा क्या खिला रहे भाई, चल हाथ आगे कर ले, फिर हाथ पे रख देगा। हाँ आंखें बंद है।
भाई कैसा मजाक करवा रहे हो अभी? भाई तो हाथ में लग गया। क्या ये क्यों आएगा? ओ मतलब पहली बार तूने और मारना मुझे? ओ पागल है क्या तू? बदतमीज। क्या मजाक उड़ा गया? वैसे ठंड है तूने और ज्यादा वो कर दिया यार। अकल नहीं है इसका चीकू को ना? भाई आप बेटा आपके साथ करते हैं ना एक बार। अरे मेरी गलती है, चीकू की गलती है। चीकू की गलती का मतलब बच्चे आपको समझ होनी चाहिए। कोई नहीं, हम तो बच्चे हैं भाई। होली बुरा मत मानो, होली है। होली तो अभी टाइम है, मार्च में आती होली। क्या सिखाया चीकू? कोई निशाने नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं सिखाया। वो इससे स्प्रे नहीं मारी जा रही मुंह पे? जो सीखता है वो जो करता है आपकी आपकी तरफ से करता है। इससे स्प्रे नहीं मारी जा रही? इसको सिखा दो एक बार। क्या सिखा दो? बदतमीज से कुछ हो ही नहीं रहा। लो मैं सिखा देती हूँ, आप कैमरा दो मुझे, एक बार सिखवा दो। मेरे मुंह में मारेगी? सिखवाने के लिए बोल रही। अच्छा तो यहाँ पर आ गई लक्ष्य, और लक्ष्य के लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। ये सामान तो रख दे बेटा, सामान रख दे। क्या होगा, सामान लेके भागे कहीं? साइड में रख दे। फिर रख दिया। बताओ चीकू, ले जा चीकू। सुबह से भूखी है ना तू? चीकू सुबह से भूखी है ना? यार खाने की चीज है, यकीन है तुझे? आंखें बंद कर ले चीकू, गिफ्ट लाए तो ले, खिलाओ दीदी को। बस बस बस। ओहो दिखा दी शक्ल, दिखाई शक्ल तो भी खा। ओहो के बन गई है चीकू। गंदी स्मेल है, प्यारी स्मेल होगी। जा मुंह धो ले जाके। अब कोई आए ना तो पहले तसल्ली से आराम से, जैसे लक्ष्य है देख, ऐसे करके देखा थे कितनी देर में, देख कैसे हुआ। ठीक है बाबा, ऐसे करूंगा। अब मैं करूंगा, तेरे से कुछ होता ही नहीं। हट जा पीछे, पाल उसको बुलाइयो नीचे से। उसको भी गिफ्ट दो भाई। चीकू ने सबको दिया। चीकू चीकू हां बैठ भाई, बैठ। गिफ्ट वाटर है। अबे आंखें बंद कर ले भाई। पायल ये तो ठंडा होगा, गर्म होगा। आंखें बंद कर ले भाई। मैं तो सामान खा इसके। आंखें पीछे कर ले, आते आराम से आंखें बंद कर ले। ठीक है, आंखें मत खोलियो जब तक ये खिलाए ना। चीकू भाई को खिला दो। चीकू आराम से खिलाइयो भाई। हां ये हमने सबको दिया आज, सबको मिला है। रैगे टिंको निशु और कौन रह गया? उड्डा को बुलाओ। लो भैया हमारे उड्डा भाई भी आ गए, सबको गिफ्ट मिले। उड्डा कैसे पीछे बैठ गया? बैठ भाई छोरे, आंख बंद कर ले। ले भाई आंख बंद कर ले, चीकू गिफ्ट लाया, दे दे बेटा। आंख तो बंद कर ले। भैया अगला जो शिकार आ रहा है पायल, अगला शिकार कौन आ रहा है? अगला कौन रह गया? एक काम कर, धीरज और उसको भी फोन कर दे। कर दे ग्रुप में, बोल दे ऊपर आ जाओ। टिंकू आ गए, आ जाओ भैया। टिंकू कहाँ रह गया तू? सब गिफ्ट ले रहे तू पीछे, सबसे क्या बात है भाई? गिफ्ट बांट रहे हो? मैं नहीं बांट रहा, चीकू बांट रहा हूँ। आंखें बंद कर ले भाई, आंखें बंद करनी पड़ेगी। आंखें बंद कर ले भाई, आंखें मत खोल, चीटिंग ही चले। आंख खोल के मत देख, बकवास कर रहा है। बस चीकू यार तुझे नहीं आता कुछ भी करना। समय खराब हो रहा है। तो ये मेरा आइडिया था आज, मतलब चल यार चीकू थोड़ा सा मस्ती हो जाए, बहुत दिन हो गए। पापा हम दोनों करते हैं। चुप। तो अब की बारी हमने स्मार्ट किया वर्क, मैंने स्प्रे लिया हाथ में। चीकू वो कहेगा ना हाथ दिखाते हाथ में स्प्रे है, ये है वो, कुछ नहीं हुआ। स्प्रे मैं मारूंगा, ठीक है? तेरा दिल तो नहीं कर रहा ना मैं मारूंगा ना, है ना? कितना गंदा है तू, 10 लोगों का मुंह पे मार दिया तो वो भी ढंग से ना। अब देखियो मैं जो करूंगा। निशु भाई रह गए थे तो आज आपको पता ही है जल्दी से वो आने वाला। क्या आने वाला? क्रिसमस आने वाला। तो चीकू बच्चों वाले सबके लिए गिफ्ट लेगा। बैठ जाए, आंखें बंद कर। आंखें बंद करो। तुझे धीरज का देखना चलना साथ हमारे। सूरज देखो कैसे ज्ञान दे रहा है बच्चों, कितना बिगाड़ रहा है। कैसे कर रहे हो ये? पॉइंट नहीं, पॉइंट देख, ये इसको आगे रखना, ठीक है? ये मैं जब पकड़ूंगा ना तो ऐसे पकड़ूंगा सीधा। ये देखो शिकार है ना, पहले आ गया कि कुछ रहना है। ये देखो ऐसे देखिए, देखो ना ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आगे आगे होना चाहिए, ठीक है? मैं पकड़ा दूंगा तेरे को अपने पैसे करके फटाफट। इसे प्रेशर पूरा प्रेशर बना दूंगा, अंदर थोड़ा सा रह गया। उसके बाद कौन रह गया हमारा शिकारी? फिर तो फार्म वाले रह गए, घर के तो पूरे हो गए, घर के तो पूरे कर दे। लक्ष्य का भद्र सिंह बहुत छोटे से ऊपर ले चल रहा है। आगे बंद कर भाई, हाथ आगे कर, धीरे हाथ आगे कर, चल हाथ आगे करो, हाथ तो बंद कर दे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। इधर इधर से बच्चे का सारा वो खराब कर रहा है।
तो चीकू के लिए बढ़िया सी चेयर मंगवा दिया, कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है बेटा, ठीक है, घूम के दिखा। तू बाना जब भी मेरे पास आती है ना, एक मिनट में रोने लग जाती है, क्यों बाल? ऐसा नहीं है, खड़ी होती चाहिए होती है इसे। तू भी तो बैठी है, मैंने हंसाया इसको। तूबा, तूबू, तूबो, क्या विचार है, घूसे खाने पापा से? घूसे खाने पापा घूसे मारेंगे? बोलो, आप नहीं मार सकते मुझे कभी भी, मैं तो लाडे रानी हूँ, इस घर की लाडू रानी हूँ। तूबा, मम्मी उंगली खा लिया मेरे को ना, ऐसे दिल कर से काट लो, पर मैं इसकी ऐसी सॉफ्ट कोमल सी उंगली ना ऐसे। अच्छा नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही। अच्छा जी, नहीं बोला मैं, नहीं बोला। तेरा दिमाग खराब है क्या पायल? है अकल ही नहीं बिल्कुल भी, तूने खुद दिया उसको सब्जी हाथ में, तुझे पता ही नहीं था वो गर्म है सब्जी। इतनी गर्म नहीं थी, बच्चे यार उसके लिए तो भाई छोटी सी चीज भी गर्म होती है। हाथ जला दिया यार दुबारा तूने, है हाथ जल गया इसका। हाँ ये सब्जी पकड़े थे ना, मना कर रही थी ना मैं, सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नारियल का तेल लगा दो। ओए मेरा बच्चा सॉरी, ये भी गिरेगा। चीकू उठा उठा। अरे नहीं गिरेगा, उठा भाई को उठा। अरे मम्मा ये देखो ना, उठा ले भाई को। मैं बेटी को बुखार तो नहीं अब? देखना एक बार इसको, बुखार तो नहीं है ना? अयानू तबियत ठीक है मेरे बेटी की? दवाई दी इसको दोबारा? बेबी को वाली दे दी, अभी चार बार देनी है उसे, दिन में दो बार, रात को दो बार मैं दे दूंगी। ओए मेरा बच्चे का हाथ जल गया, मेरा शूना का हाथ जल गया, मेरा शूना का हाथ जल गया। आप ही बार बार वहाँ पे जाने के लिए बोल रहे हो, मुझे पता नहीं था सब्जी इतनी गर्म है, वरना मैं कभी नहीं करती। मेरा जन्ना